नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ESR टेस्ट के बारे में, ये क्यों कराया जाता है और किस किस बीमारियों में ये पता चलता है कि ESR कराना ज़रूरी है। दोस्तों, ESR का पूरा नाम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। ये मेल में 0 से 10 पॉइंट तक होता है और फीमेल में अप टू 20 होता है। ये एज के हिसाब से वैरी भी करता है। अगर 50 के एज में अगर ESR टेस्ट किया जाता है तो फीमेल में अराउंड 30 होता है और मेल में 20 होता है। ESR टेस्ट नॉर्मली जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए कराया जाता है, या आपको बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हुई हो उसके लिए कराया जाता है, या आपको कहीं भी जॉइंट पेन है या वायरल फीवर है तो इस सब परिस्थितियों में कराया जाता है। इसके पीछे बढ़ने के क्या कारण है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, डायरिया हो गया है, फ्लू हो गया है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, इसिनोफिलिया है, या आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है, बहुत दिनों से पुरानी बीमारी के शिकार है, अगर आपको जॉइंट में पेन है, अर्थराइटिस है, नी जॉइंट में है, एल्बो जॉइंट में है, एंकल जॉइंट में है, या शोल्डर जॉइंट में पेन है, उसके साथ साथ दर्द है, तो इसमें भी ESR बढ़ जाते हैं। अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसमें भी आपका जो है सो ESR लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, ये एक इंडिकेटर पॉइंट होता है। ESR बढ़ने का कॉज है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको बीमारी हो गई है या होने वाली है, यानी कि आप इस टेस्ट को लेके सचेत हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ESR बढ़ गया है तो बीमारी होना ही होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। किसी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनरली ESR थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ये साइन देता है कि आपका बॉडी वीक हो रहा है, आप सचेत हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब कभी भी ESR बढ़े तो आप ये कंफर्म हो जाए कि आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। डिपेंड्स करता है कि आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से मिलके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ESR बढ़ने के बाद आप तुरंत डॉक्टर से मिले और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।